हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बाय आरपी इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एमपीईएसबी की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे एमपीईएसबी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, एमपी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग फर्स्ट एग्ज़ाम 2023 के लिए यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी 2023 तक, और इसका लास्ट डेट होने वाला है 27 जनवरी 2023 तक। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 660 रुपये की फ़ी लगने वाली है। वहीं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 360 रुपये की फ़ी लगने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे sarkaririzalt.com की वेबसाइट पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अप्लाई लिंक पे क्लिक कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो इसे आप डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए उपलब्ध सेवाएँ में सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे 3 नंबर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन वाला यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे पीडीएफ वाला सिंबल बना है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे आपको रीड आउट करना है, देन यहाँ पे यहाँ से डिक्लेयर करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको आगे बढ़ाए पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको नोट में यहाँ पे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ से आप अपना डिटेल डाल के यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या आपके पास पूर्व पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? तो यहाँ पे है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, देन यहाँ पे इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे रिसीव ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिसीव ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड जाएगा। दोस्तों, आपको ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है, देन यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल के यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी वेरीफाई करना है तो यहाँ पे ईकेवाईसी द्वारा आप वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर ईकेवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ओटीपी पे ही क्लिक कर ले रहा हूँ, देन यहाँ से आगे बढ़ाए पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है यहाँ पे, उसके बाद डिक्लेरेशन को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, देन यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे जनरेट ई केवाईसी ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप जनरेट ई केवाईसी ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी कोड जाएगा, उस ओटीपी कोड को आपको डाल के वेरीफाई कर लेना है, देन आपके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मदर का नेम इंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो यहाँ पे आप एसियन ओ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अगर आप कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर या फिर ईवीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप एसियन ओ सेलेक्ट कर लीजिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना शैक्षणिक योग्यता का स्तर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप ग्रेजुएट हैं या जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे निवास का क्षेत्र यहाँ पे ग्रामीण है या फिर रूरल है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे निवास क्षेत्र आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अगर पी एच कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप एस या नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे विकलांगता का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए, विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास अंतिम जुड़वा बच्चे हैं तो यहाँ पे हैं तो यहाँ पे ऐसे अनु सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पत्र व्यवहार के लिए यहाँ पे वर्तमान पता यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना तहसील, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड इंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे संलग्न दस्तावेज में यहाँ पे आवेदक शरीर यहाँ पे आपके शरीर में कोई पहचान चिन्ह यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पहचान पत्र यहाँ पे आईडी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण यहाँ पे देना है। क्या आपको फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक परीक्षण बोर्ड में समस्या है तो यहाँ पे है तो यहाँ पे आप एस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन यहाँ से आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप संवर्ग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो यहाँ पर आपको सारे डिक्लेरेशन को रीड आउट करना है। देन यहाँ पर आपको अपने एक वार्निंग एस या नो कर लेना है। देन यहाँ पर आपको शिक्षण का आपको माध्यम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स को यहाँ पे रीड आउट करना है। देन यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एस या नो कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदक की नियमानुसार आयु यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन को रीड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ाएं पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना पेमेंट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।